हाय बच्चों, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है जिसमें यहाँ पर एक आपको ब्लॉक दिखाया गया है। इस ब्लॉक में हमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की सहायता से इसका एलिवेशन प्लान और साइड व्यू शो करना है। ठीक है, इस ब्लॉक का हम एक लेक्चर डाल चुके हैं जिसमें हम आपको बता चुके हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की सहायता से इसका एलिवेशन प्लान और साइड व्यू किस प्रकार से बनेगा। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग पर जाकर आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। चलिए आज देखते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की सहायता से इसका एलिवेशन प्लान और साइड व्यू किस प्रकार से ड्रॉ किया जाएगा। लेक्चर शुरू करने से पहले यदि आप आईटीआई या डिप्लोमा किया हुआ है तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की सहायता से किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा, यानी कि इसका हमें एलिवेशन प्लान और साइड व्यू किस प्रकार से बनाएंगे। चलिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की सहायता से देखते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की सहायता से बनाने के लिए सबसे पहले आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आपको बताना चाहिए। मैं आपको बार बार बताता हूँ अपने हर लेक्चर में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या बनता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का फॉर्मूला बनता है HP/VP। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला क्या बनता है, HP/VP, जो अपॉन यहाँ पर होता है इसको हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन, यानी कि संदर्भ रेखा। संदर्भ रेखा जो यहां पर होती है ये होती है संदर्भ रेखा। कैसे, आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या है, VP, और ये आपका क्या है, HP। ठीक, ये आपका क्या है, VP, और ये आपका क्या है, HP। VP क्या होता है, VP आपका फिक्स होता है, VP हमारा क्या होता है, फिक्स होता है, मगर HP 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है। जब ये क्लॉकवाइज रोटेट किया करेगा तो कहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, कहाँ, HP ऊपर, और तो ये क्या बन जाएगी, ये एक रेफरेंस लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो HP कहाँ गया, ऊपर, VP कहाँ गया, नीचे, किसके, एक रेफरेंस लाइन के। ठीक है, तो इसलिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या बन जाता है, HP/VP। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं हम, ये एक रेफरेंस लाइन है, ऊपर HP, नीचे VP। अब आपको हमेशा हम बताते हैं हर क्वेश्चन में, हम आपको बताते हैं कि VP में हमेशा क्या बनता है और HP में हमेशा क्या बनता है। VP में हमेशा क्या बनता है, VP में हमेशा क्या बनता है, एलिवेशन। VP में हमेशा एलिवेशन बनता है। एलिवेशन को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू। एलिवेशन को हम क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू। VP जहां पर भी होगा, अब VP नीचे है तो VP में क्या बनेगा, एलिवेशन या फ्रंट व्यू बनेगा। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में VP कहाँ होता है, ऊपर होता है, तो एलिवेशन और फ्रंट व्यू भी कहाँ बनता है, ऊपर बनता है। ठीक है, और HP में हमेशा क्या बनता है, HP में हमेशा क्या बनता है, HP में हमेशा बनता है प्लान, प्लान, या इसी को हम बोलते हैं टॉप व्यू। ठीक है, HP में हमेशा क्या बनता है, प्लान या टॉप व्यू, और हमेशा एलिवेशन के लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट, एलिवेशन के हमेशा लेफ्ट या राइट, एलिवेशन चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, तो एलिवेशन के लेफ्ट और राइट में क्या बनता है, हमेशा एलिवेशन के लेफ्ट या राइट में हमेशा क्या बनता है, हमेशा साइड व्यू बनता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HP/VP। कैसे आता है, हम इसका थर्ड क्वाड्रेंट लेंगे, HP यहाँ, VP यहाँ, VP फिक्स होता है, HP 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करके ऊपर जाएगा, तो ये आपकी क्या बन गई, रिफरेंस लाइन बन गई। ऊपर क्या गया, HP, नीचे क्या गया, VP। VP में हमेशा क्या बनता है, एलिवेशन या फ्रंट व्यू बनता है, HP में हमेशा क्या बनता है, प्लान या टॉप व्यू बनता है, और एलिवेशन के लेफ्ट या राइट साइड में हमेशा क्या बनता है, साइड व्यू बनता है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि कहां पर उसका प्लान और आपका एलिवेशन और साइड व्यू किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। चलिए क्वेश्चन को अब
बनाना ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन लेंगे। मिनी ड्राफ्टर को सेट कीजिए 0 पर। 0 पर सेट करने के बाद हम यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ की। तो रेफरेंस लाइन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स वाई से। इसको हम एक्स वाई रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम एक्स वाई रेखा भी बोलते हैं। तो ये हम किस में बना रहे हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, एच पी ऊपर और वी पी नीचे होता है। क्लियर है, एच पी ऊपर और वी पी नीचे होता है। अब मैं जो ये रेफरेंस लाइन है इसको चार भागों में इसके पार्टीशन कर देता हूँ, चार में इसके पार्टीशन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं इसके चार पार्टीशन कर दिए इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से मैंने इसके चार पार्टीशन कर दिए। अब हम क्या देखते हैं, ये मेरा कौन सा हाथ है, राइट हैंड है। ये मेरा कौन सा हाथ है, लेफ्ट हैंड है। तो मैं लिख भी सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ राइट हैंड साइड, और इस साइड लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं। चलिए अब देखते हैं हम, अब वी पी कहाँ गया, नीचे। अब हम देखते हैं यहाँ पर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का नियम बोलता है, क्या बोलता है, रूल। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का रूल बोलता है, रूल, या आप बोल सकते हैं नियम। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का नियम क्या बोलता है कि यदि फ्रंट व्यू को आप राइट साइड से देख रहे हैं, किससे, यदि फ्रंट व्यू को आप राइट साइड से देख रहे हैं तो आप फ्रंट व्यू को राइट साइड में ही बनाएंगे। यानी कि आप फ्रंट व्यू को जिस साइड से देखते हो उसी साइड से आप फ्रंट व्यू को बनाएंगे। ठीक है, तो फ्रंट व्यू को मैं किस साइड से देख रहा हूँ, राइट साइड से। तो मुझे फ्रंट व्यू किस साइड बनाऊंगा, राइट साइड से बनाऊंगा। और फ्रंट व्यू हमेशा किस में बनता है, वीपी में बनता है। तो वीपी नीचे तो राइट साइड ही है, तो कहाँ पर बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम जिस साइड को फ्रंट, जिस साइड भी फ्रंट व्यू को देखेंगे उसी साइड में हम फ्रंट व्यू को बनाएंगे। किसमें, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। किसमें बनाएंगे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि फ्रंट व्यू को जिस साइड से देखा जाता है, उसी साइड में फ्रंट व्यू, शॉर्ट में लिखा, फ्रंट व्यू को वीपी में बनाया जाता है। किसमें बनाया जाएगा, वीपी में बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो हमने फ्रंट व्यू को किस साइड से देखा, राइट साइड से। तो हम किस साइड बनाएंगे, राइट साइड बनाएंगे। और किस में बनाएंगे, वीपी में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, वीपी में। क्वेश्चन लेक्चर को पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, लेक्चर को स्किप मत करिएगा। ठीक है, थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है वीपी। अब वीपी में बनाएंगे, तो वीपी में जिससे हम क्वेश्चन, इसको एचपी बना, सॉरी फ्रंट व्यू को बनाएंगे, तो फ्रंट व्यू को वीपी में बनाएंगे। तो कहाँ है वीपी, नीचे है। राइट साइड हमारी कौन सी, ये है, तो राइट साइड में यहाँ पर बनेगा। अब देखते हैं कि हमें क्या दिख रहा है फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में इस ब्लॉक में हमें क्या दिख रहा है, जो मैं यहाँ पर डॉटेड पोर्शन किया हुआ है। ठीक है, फ्रंट व्यू में हमें क्या दिख रहा है, जो ये इसकी मोटाई है कितनी है, 15 mm। ये लंबाई कितनी है टोटल, 75 mm। 75 mm को 30 mm इस साइड, 30 mm इस साइड, और बीच में कुछ पोर्शन कटा हुआ दिखाई दे रहा है। 30, 30, 60 और 15 mm का कुछ पोर्शन हमें कटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये दिखाई देगा, ये जो हमने दिख रहा है 15 mm का, ये डॉटेड पोर्शन दिखाई दे रहा है। अब देखो, ये आपका ब्लॉक लेने का मेरा पर्पज था कि ये एक टेप पर साइड में दिया गया है। ठीक, और ये कैसा है, एक आइसोमेट्रिक व्यू में है। हमें आइसोमेट्रिक को किस में बदलना होता है, हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बदलना होता है। आइसोमेट्रिक में आपको थ्री डायमेंशन शो होती है, कैसी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड। क्लियर, जबकि हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में टू डायमेंशन शो होती है, क्योंकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमारा टू डायमेंशनल होता है, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। सिर्फ हम किस पर वर्क करेंगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पर ही हम वर्क करेंगे। आपको फ्रंट व्यू से उसकी लंबाई और उसकी हाइट दिखती है। ठीक
ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ, फ्रंट व्यू से जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमें उसकी लंबाई और उसकी ऊंचाई दिखाई देती है। ठीक, उसकी लंबाई कितनी है? 75 mm, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 45 mm। चलिए ड्रॉ करते हैं, चलिए ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर 75 mm क्या है? उसकी लंबाई है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक माना हमारी 75 mm है, और उसकी हाइट कितनी है? 45 mm। माना यहाँ तक उसकी हाइट है, 45 mm उसकी हाइट है। क्लियर, हमने 45 mm हाइट बनाई, और 75 mm क्या है? उसकी लंबाई है। ये बन गया। अब देखो यहाँ पर इसकी कितनी जो लंबाई में से कितना कटा हुआ पोर्शन, ये जो छोटी पट्टी दिखाई दे रही है कितनी है? 15 mm। ये उधर से भी कितनी है? 15 mm। तो हमने 15 mm इस साइड से लिया और 15 ही mm इस साइड से लिया। ठीक है, तो हमने कैसे ड्रॉ किया इसको? यहाँ पर इस प्रकार से ड्रॉ किया, जिस प्रकार से भी रफ होगा हम उसको रफ करेंगे, जहाँ पर भी रफ होगा ये ड्रॉ किया। क्लियर है? अब देखते हैं जितनी यहाँ पर कटी हुई है इतनी ही मोटाई यहाँ पर है। क्लियर है? कितनी है ये? 15 mm है, इधर इस साइड से हो रही है, कितनी हो रही है? 15 mm। तो यहाँ से भी आप कितना लेंगे? 15 mm लिया, तो ये बैठा आपका 15 mm बना। तो ये कहाँ किया? इस प्रकार से ड्रॉ किया। क्लियर? ये हमारा आ रहा था 15 mm इधर से, 15 mm इधर से। अब आप क्या देख रहे हैं कि मुझे फ्रंट व्यू से एक चीज और दिखाई दे रही है। यहाँ पर फ्रंट व्यू से कुछ कटा हुआ दिखाई दे रहा है। कितना? इस साइड से 30 mm और इस साइड से 30 mm। तो 30 mm इस साइड से आपको शो हो रहा है। क्लियर है? 30 mm आपको इस साइड से शो हो रहा है, और 30 ही mm आपको इस साइड से भी शो हो रहा है। और ये क्या शो हो रहा है? ये पोर्शन आपको ऐसे शो हो रहा है। क्लियर है? ठीक है बच्चों, ये आपको क्लियर इस प्रकार से शो हो रहा है। तो फ्रंट व्यू आपको कैसा दिखाई दे रहा है? कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। वो क्या दिखाई दे रहा है? अगर आप इसको ये टेपर टाइप में इस प्रकार से है, ठीक है, आप इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, हम इसको आइसोमेट्रिक को ऑर्थोग्राफी में चेंज कर रहे हैं, और ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में सिर्फ हमें 2 डायमेंशन दिखाई देती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दो पे हमें वर्क करना होता है, ना कि आप इसको तिरछा करके टेपर में दिखाओ। नहीं, आपको 2 ही डायमेंशन में दिखाना होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको इमेजिनेशन करो, और इसको क्या करो, अगर ये रबड़ का गुटका होता है ऐसा, आप इसको जब दबाते तो वो आपको कैसा चिपक के दिखाई देता? इस प्रकार से दिखाई देता। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना? ये हमारा बना इसका फ्रंट व्यू, ठीक, जिसको हम एलिवेशन व्यू बोलते हैं। अब क्या करते हैं, अब हम इसका बनाएंगे टॉप व्यू। टॉप व्यू किसमें बनता है? हमेशा एचपी में बनता है, एचपी ऊपर है तो ऊपर जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसके प्रोजेक्शन ऊपर लेके जाएंगे, हम इसके प्रोजेक्शन ऊपर लेके इस प्रकार से जाएंगे। आप लाइट पेंसिल से प्रोजेक्शन ऊपर लेके जा सकते हैं, लाइट पेंसिल से प्रोजेक्शन ऊपर लेके जाइए इस प्रकार से। आप लाइट पेंसिल से ऊपर लेके जाइए प्रोजेक्शन, क्योंकि आपको कुछ लाइनें प्रोजेक्शन लाइन रब भी करनी पड़ेगी। ठीक है, जो एक्स्ट्रा निकल जाएगी हम उसको प्रोजेक्शन लाइन को क्या कर देंगे? रब कर देंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो भी आपने बनाया है वो प्रोजेक्शन सब इस प्रकार से ऊपर लेकर चलिए हम लेके गए। अब आप ये 30 30 mm से ये कटा हुआ है, तो ये प्रोजेक्शन भी आप जा हमारा जाएगा, ये प्रोजेक्शन भी हमारा इस प्रकार से लेके जाइए। क्लियर? यहाँ से हम इसको रब कर देते हैं, क्योंकि हमारा सही तरीके से दिखाई दे। तो हम ये प्रोजेक्शन ऊपर ऐसे लेकर गए। क्लियर है? सॉरी, ये थोड़ा इधर बन गया। ये प्रोजेक्शन इस प्रकार से ऊपर लेकर गए, ये गए सभी प्रोजेक्शन ऊपर। क्लियर है? इसके सभी प्रोजेक्शन कहाँ गए? ऊपर लेके चले गए। अब देखो जब हम इसको टॉप व्यू से देख रहे हैं, अब हम क्या करें, टॉप व्यू से देख रहे हैं, टॉप व्यू से आपको क्या दिखा, पोर्शन दिखा देगा जो आपका बिल्कुल प्लेन ऐसा बना हुआ है। यहाँ से ये दिखाई दिया, यहाँ से ये दिखाई दिया आपको, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमें टॉप व्यू से क्या दिखाई देता है? टॉप व्यू से वस्तु की हमें लंबाई और उसकी चौड़ाई दिखाई देती है। वस्तु की लंबाई कितनी है? 75 mm है। ठीक है, तो हम टॉप व्यू को कहाँ से बनाना शुरू करते हैं?
हम टॉप व्यू को टॉप से ही बनाना शुरू करते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है टोटल? 75 mm। 15 ये 15 ये 45 ही, तो 15 इधर से और 15 इधर से, और बीच की कितनी है 45। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की, क्लियर। और ये कितनी है, ये है हमारी 75 mm की, और मैं इसको ऊपर से जो था उसको रब कर देता हूँ। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी, ओके। अब देखो हमारी चौड़ाई कितनी दिखाई दे रही है, हमें चौड़ाई में कितनी दिखाई देगी, 45 mm की चौड़ाई दिखाई देगी। टॉप से देखने पर लंबाई और चौड़ाई दिखाई देती है, ठीक है, ये कहीं क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ। तो 45 mm की मैं चौड़ाई दिखाई दी, तो सबसे पहले यही बना लेते हैं, ये दिखाई दिया, क्लियर है। ये पोर्शन हमको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, क्लियर है। अब देखो ये आपको कितनी चौड़ाई दिखाई दे रही है, ऊपर से देखने पर कितनी चौड़ाई दिखाई दे रही है, देखो इस साइड कहीं पर दे रहा है 15 mm है। तो हमने जब 15 mm दिखाई दे रही है चौड़ाई, और इधर से कितनी 15 mm, और इधर से भी 15 mm, ठीक है, तो आपको क्या दिखाई दी, 15 mm, ये चौड़ाई 15 mm की दिखाई दी, तो हमने बनाया, क्लियर है, 15 mm की ये आपको चौड़ाई दिखाई दे रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये पेंसिल से आप इसको इरेज कर सकते हैं। हमने इसको इरेज किया, सॉरी इरेजर की सहायता से, ये जो पेंसिल हमने लाइट पेंसिल से ड्रॉ किया था, क्लियर है, ये दिखाई दे रहा है। अब ये जो थी, ये जब ऐसे जा रही है फ्लैट, ये लाइन दिख रही है आपको, ये दिख रही है, ये फ्लैट ये दिख रही है, इधर से भी ये फ्लैट दिख रही है, तो ये ऐसे नीचे आ रही है, क्लियर है, ये ऐसे नीचे आ रही है, और इस साइड भी ये ऐसे नीचे आ रही है, यहाँ से यहीं बता रही है, ये यहाँ से यहीं बता रही है। अब देखो ये कितनी है, 10 mm अंदर जा रही है, ठीक, इधर से भी 10 mm, और ये कितनी है, ये 15 mm है आपकी, ठीक, ये कितनी है, ये 15 mm है, ये 10 और ये 10, क्लियर है। तो आपकी 15 mm तो हम लेके गई है ऊपर, तो हमें कितना लेना है, 10 mm लेना। तो हमने यहाँ से 10 mm लिया, 10 mm लिया, और ये आपका, ये आपको दिखाई देगा, क्लियर है। तो आपको क्या दिखाई दिया, तो आपको इस प्रकार से ये पोर्शन किसका, आपके टॉप व्यू से आपको किस प्रकार से दिखाई देगा, टॉप व्यू से आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ये यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन में थोड़ी रफ कर देता हूँ, जिससे आपको सही तरीके से क्या दिखाई दे, सही तरीके से आपको ये दिखाई दे टॉप व्यू, टॉप व्यू हमारा किस प्रकार से बनेगा। तो टॉप व्यू हमें कुछ इस प्रकार से शो होगा, क्लियर, ये हमारा टॉप व्यू बनेगा। अब हमारा क्या बचा, साइड व्यू। साइड व्यू हमेशा कैसे कहाँ बनता है, साइड व्यू हमेशा एलिवेशन के लेफ्ट या राइट साइड में बनता है। अब देखो एलिवेशन किस साइड में बना, एलिवेशन बना आपका राइट साइड में, एलिवेशन किस साइड में बना, एलिवेशन बना राइट साइड में। तो टॉप व्यू, सॉरी साइड व्यू किस साइड बनेगा, साइड व्यू अब लेफ्ट साइड में बनेगा, और किस किस साइड, कहाँ पर, आपके एक्सिलरी प्लेन में बनेगा, वर्टिकल एक्सिलरी प्लेन में बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हम प्रोजेक्शन की सहायता, प्रोजेक्शन लाइन की सहायता से एलिवेट प्लान की और टॉप व्यू की, प्रोजेक्शन लाइन की सहायता से बना सकते हैं, और आप ऐसे भी देख सकते हैं आपको साइड व्यू में क्या दिखाई दे रहा है, साइड व्यू में आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, क्या ये लाइन गई हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल लाइन गई, और ये इस प्रकार से टेपर आ रहा है, ठीक। मगर इसके अंदर आपको ये जो शो हो रहा है कि ये कितना पोर्शन कटा हुआ है, ये आपको दिखाई नहीं देगा, तो आपको इसमें दिखाने के लिए हिडन होगा, तो इसलिए इन प्रोजेक्शन लाइन की सहायता से आपको ये पोर्शन भी दिखाई दे जाएगा। अब चलिए हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन लाइन लेके चलते हैं, प्रोजेक्शन लाइन लेके जाएंगे, तो हम लेके चलते हैं प्रोजेक्शन लाइन। तो यहां से मैं इसकी प्रोजेक्शन लाइन इस प्रकार से लेके आया, क्लियर, ये गई। अब ये थी आपकी 15 mm की, तो ये भी प्रोजेक्शन लाइन इस प्रकार से मैं यहाँ पर लेके आया, क्लियर है, और ये थी प्रोजेक्शन लाइन इसकी, इसकी प्रोजेक्शन लाइन भी मैं इस प्रकार से यहाँ पर ड्रॉ की मैंने प्रोजेक्शन लाइन, क्लियर है। इसी प्रकार से मैं जो प्लान है हमारा, प्लान की भी प्रोजेक्शन लाइन लेके गया, ये प्रोजेक्शन लाइन ली। अब मैं ये जो आपका ये कटा हुआ पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसकी प्रोजेक्शन लाइन भी हम लेके आएंगे, क्योंकि ये हमें पता है कि हमारा बन रहा है, मगर हम इसको हिडन दिखाएंगे जरूर कि यहाँ पर कुछ है था, और ये आपका 15 mm यहाँ पर कटा हुआ है,
ये भी हम इसकी प्रोजेक्शन लाइन इस प्रकार से लेके आए, क्लियर है। और ऐसे ही यहाँ इसकी भी प्रोजेक्शन लाइन हम टॉप की जो बचाव पोर्शन था इसकी भी प्रोजेक्शन लाइन ऐसे लेके आए। ये प्रोजेक्शन लाइन सभी आई। और ये बात हम क्या करते हैं, जो प्लान की प्रोजेक्शन लाइन है उनको 90 डिग्री को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम स्केल को 45 डिग्री पर लेके आएंगे, 45 डिग्री पर लेके आएंगे और इसको दो भागों में पार्टीशन कर देंगे। तो ये हमने क्या किया, इसको ऐसे लेके आए, 45 डिग्री पर दो भागों में डिवाइड कर दिया, क्लियर है। तो हमारा क्या, 45 डिग्री इस साइड और 45 डिग्री इस साइड। अब देखो जो ये प्रोजेक्शन लाइन आई थी किसकी, प्लान की, और यहाँ पर हमने उनको इंटरसेक्ट किया, तो ये आपके जहाँ जहाँ पर भी पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं इनको हम 90 डिग्री लंबवत नीचे लेके आएंगे। किसकी प्रोजेक्शन लाइन पर, एलिवेशन की प्रोजेक्शन लाइन पर, जो हमने एलिवेशन बनाया है। तो हम इस एलिवेशन की प्रोजेक्शन लाइन पर इनको लंबवत ऐसे ड्रॉ करेंगे, किया, क्लियर। अब ऐसे ही ये प्रोजेक्शन लाइन आई, तो इसको भी हमने कैसे ड्रॉ किया, ऐसे। ये किसकी है प्रोजेक्शन लाइन, इसकी है जो कट ऑफ पोर्शन है। अब ये प्रोजेक्शन लाइन है, ये प्रोजेक्शन लाइन भी हम नीचे लेके आए। आप लाइट, बिल्कुल लाइट पेंसिल से लेके आइए, 2H पेंसिल का यूज कर सकते हैं या H पेंसिल का यूज कर सकते हैं कि आपको रफ करने में भी आसानी हो थोड़ी। ये प्रोजेक्शन लाइन है, तो ये प्रोजेक्शन लाइन भी हम इस प्रकार से लेके आइए, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या साइड व्यू बनाना आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस साइड से जो एक्स्ट्रा हमारी लाइन निकली हुई है इसको हम ड्रॉप कर देते हैं, एक्स्ट्रा जो हमारी लाइन निकली हुई है वो हमने रब कर दी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं हमें क्या दिखाई दे रहा है साइड व्यू से, हमें कितनी 45 की उसकी चौड़ाई और 45 उसकी हाइट। तो ये कितनी आपकी 45 है, ठीक है, ये कितनी आपकी 45 और ये भी कितनी थी 45, ठीक। तो हम लेके आए 45, 45 mm उसकी चौड़ाई दिखाई दे रही है और 45 mm में उसके हाइट दिखाई दे रही है, क्लियर। 45 mm चौड़ाई और 45 mm उसकी हाइट दिखाई दे रही है, ठीक। अब देखो आपको ये जो 15 mm की पट्टी कटी हुई है ये नहीं दिखाई दे रही है, मगर हमें पता है कि हमें शो होगी, हमें क्या होगी यहाँ पर जरूर हमें ड्रॉ करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, इस 15 mm की पट्टी क्या होगी, हमें ड्रॉ करनी होगी। तो ये हुआ, और ये आई कहाँ तक हमारी, ये हमारी यहाँ तक आई 15 mm की पट्टी, ठीक। अब क्या है कि ये पोर्शन आपका, जो ये पोर्शन है ये आपको शो हो रहा है, ये पोर्शन आपका शो हो रहा है आपको, ठीक, कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है, ये ऐसे ही तो जा रहा है आपका। तो ये आप इसको इस प्रकार से दिखाई देंगे, परंतु आपको पता है कि ये पोर्शन आपको अंदर ये कटा हुआ पोर्शन दिखाई नहीं दे रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, किससे, डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। और आपको ये वाला पोर्शन भी नहीं दिख रहा था, ये जो हमने बनाया है अंदर, आपको ये बाहर का आउटर पोर्शन इसकी हाइट और ये दिखाई दे रही थी। तो हम इसको भी कैसे बनाएंगे, इसको भी हम डॉटेड ही ड्रॉ करेंगे। तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, डॉटेड ही ड्रॉ हो रहा है, ठीक। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये हमारा साइड व्यू कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ये हमारा साइड व्यू कंप्लीट हो जाता है। ये मेरा क्या है, ये मेरा है एलिवेशन, एलिवेशन किस में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की सहायता से। और ये मेरा क्या है, प्लान, कहाँ पर, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की सहायता से। और ये मेरा क्या है, साइड व्यू, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसकी डायमेंशन ड्रॉ कर देते हैं। ये हाइट है, सॉरी लंबाई है, ये कितनी लंबाई आपको दिखाई दे रही थी, देखते हैं कितनी लंबाई दिखाई दे रही थी, ये हमें दिखाई दे रही थी 75 mm की, कितनी 75 mm, 75 mm। और यहां से लेके यहां तक आपको कितना शो हो रहा था, 30 इस साइड और 30 इस साइड,
हम दिखा सकते हैं, क्योंकि जो हमें वहां पर दिखाई दे रहा है वो हम दिखा सकते हैं। 30 mm ये और 30 mm ये, क्लियर। और ये हाइट कितनी सो रही है, हाइट हमें 45 mm की सो रही है, जो दिख रही है हाइट कितनी दिखाई दे रही है, 45 mm, क्लियर 45 mm भी दिखाई दे। और यहाँ पर भी हमें 75 mm, क्लियर है 75 mm ये सो हुआ, और हाइट कितनी सो हुई, हाइट हुई हमें 45 mm, क्लियर 45 mm। ओके, और यहां से लेके यहां तक की कितनी कटा हुआ पोर्शन था, ये 10 mm का। ओके, ऐसे ही साइड व्यू कितना है हमारा, 45 mm का है। साइड व्यू की चौड़ाई कितनी थी, 45 mm है, यहाँ ड्रॉ कर दीजिए। और इसकी हाइट भी कितनी है, 45 mm, हाइट भी कितनी थी, 45 mm, ठीक है 45 mm इसकी हाइट की। तो ये क्वेश्चन था आपका, जो हमने यहाँ पर इसका प्लान, सॉरी एलिवेशन प्लान और साइड व्यू बनाया, इसको हमने बनाया थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की सहायता से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की सहायता से इस ब्लॉक को हमने कंप्लीट किया, ठीक है। यदि हमारा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा हो, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्रॉइंग को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, और अपने दोस्तों को भी हमारे हमारे चैनल को शेयर कीजिए। ओके।